हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टूडेंट्स एकेडमी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज बूटस्ट्रैप। आज हम लोग देखेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है और उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो चले चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज बूटस्ट्रैप। इट इज़ अ फ्रंट एंड डिवेलपमेंट फ्रेमवर्क that enables the developers and designers to quickly build fully responsive websites। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रंट एंड डिवेलपमेंट फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डिवेलपर्स और डिजाइनर को कि वो एक फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सके। ठीक है, अब फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है वो हम लोग आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप किस लिए यूज होता है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेवलपर्स और डिजाइनर को कि वो बना सके फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बूटस्ट्रैप सेव यू फ्रॉम राइटिंग अ लॉट ऑफ कोड इन सीएसएस। ठीक है, सीएसएस हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों को एक चीज करने के लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप ने हमारे लिए आसानी कर दी, अब हमें बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बूटस्ट्रैप आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इट इज फ्री आल्सो, अभी हमारे पास फ्री भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये भी इसके एडवांटेज है। नेक्स्ट हम हमारे पास है व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा कि बूटस्ट्रैप यूज होता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए। सो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन होते क्या है, सो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इज एन अप्रोच टू वेब डिजाइन दैट मेक्स वेब पेजेस रेंडर वेल ऑन अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस एंड विंडोज और स्क्रीन साइजेस। रिस्पॉन्सिव लेआउट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड अडॉप्ट एनी डिवाइस स्क्रीन साइज वेदर इट इज अ डेस्कटॉप अ लैपटॉप अ टेबलेट और अ मोबाइल फोन। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वो होती है कि आप लोग उसे किसी भी स्क्रीन पर ओपन कर ले, मोबाइल पे ओपन कर ले, डेस्कटॉप पे ओपन कर ले, लैपटॉप पे ओपन कर ले, टैबलेट पे ओपन कर ले, तो उस वेबसाइट का लेआउट खराब नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग उसे किसी भी डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी ओपन कर ले, ठीक है, उसका लेआउट खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होती है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम लोग बूटस्ट्रैप के जरिए बना सकते हैं, ये है एक और एडवांटेज बूटस्ट्रैप का। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो बूटस्ट्रैप का सबसे पहला फीचर है बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव ग्रिड। ठीक है, अब नो मोर स्पेंडिंग हॉर्स कोडिंग यूर ऑन ग्रिड। ठीक है, अब हमें हॉर्स लगा के अपने लिए खुद ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन ग्रिड पहले से मौजूद है। ठीक है, प्री डिफाइंड उसमें पहले से मौजूद है, हम लोगों को सीएसएस में बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव इमेजेस। ठीक है, Bootstraps come with its own code for automatically resizing images based on current screen size. ठीक है, अब Bootstrap में अपना, ठीक है, Bootstrap come with its own code, इसका अपना code है images को responsive बनाने के लिए। ठीक है, कि वो different जो आप लोगों के पास वो स्क्रीन है उसमें किस तरह से images नजर आए। ठीक है, तो इसका अपना code है जो automatically set कर देता है कि अगर स्क्रीन छोटी है तो उस पे इमेज कैसे नजर आए, बड़ी है तो उस पे इमेज कैसे नजर आए। तो हम लोगों को सीएसएस में कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, बूटस्ट्रैप का अपना ही कोड है जो इसको एडजस्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स। बूटस्ट्रैप्स कम विद अ होल बैरल फुल ऑफ कंपोनेंट्स यू कैन इजीली टैग इनटू योर वेब पेज। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट जिसको आप लोग सिर्फ अपने वेब पेज में डाल सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है नेविगेशन बार, ड्रॉप डाउन, प्रोग्रेस बार एक्सेट्रा। ठीक है, हम लोगों ने सीएसएस में नेविगेशन बार भी पढ़े थे, ड्रॉप डाउन भी पढ़े थे, जिसमें हमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन बूटस्ट्रैप के ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं, हम लोगों को सिर्फ इसको यूज करना है। ठीक है, इसमें हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सीएसएस के जरिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप में बिल्ट इन चीजें ये मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बूटस्ट्रैप अलाउज अ डेवलपर टू टेक द एडवांटेज ऑफ जेक्यूरी प्लगइन्स। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप ये भी प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, जेक्यूरी प्लगइन्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जो खत्म नहीं होते। ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ा कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज होता है, और इसके फीचर्स क्या है वो भी हम लोगों ने देख ली। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।